नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक अपडेट के साथ, क्योंकि कल जिस तरह से सूरत हाल वहां पर बना रहा, इस वक्त जो ताजा अपडेट है ट्रैफिक के हवाले से आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे आज भी यातायात के लिए बंद है और उधमपुर में ध्वस्त हुई सड़क की मरम्मत का काम लगातार जारी है। आज शाम तक मरम्मत का काम पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और यातायात के लिए श्रीनगर ले हाईवे को खोला गया है। एक बार फिर आपको बता दें, जहां पे जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद है, वहीं जम्मू ले हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। और कल हमने आपको जिस तरह से बताया था, पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचाई थी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से, जहां पर जो पैसेंजर्स हैं काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां नजर आ रही थी और जो लोग थे उनका कहना था, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, जो फैमिलीज के साथ थे, ड्राइवर्स थे, काफी मुश्किल उन्हें झेलनी पड़ रही थी। और फिर उसके बाद एडवाइजरी जारी की गई कि या तो आप घर वापस लौट जाइए या फिर आप कहीं पर स्टे कर सकते हैं, कहीं पर किसी होटल में एकोमोडेशन ले सकते हैं। और उसी के बाद बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने घर वापसी की, कईयों ने वहीं पर स्टे कर दिया आसपास के जो भी होटल वहां पर अवेलेबल थे। तो आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर हाईवे को लेकर जो ताजा अपडेट है वो यही है कि फिलहाल यातायात के लिए उसे बंद किया गया है और उधमपुर में ध्वस्त हुई सड़क की मरम्मत का काम लगातार जारी है। हालांकि बताया जा रहा था 2 दिन लग जाएंगे इसमें, पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से तेजी से काम चल रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक मरम्मत का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि श्रीनगर ले हाईवे को भी बंद किया गया था, अब जो श्रीनगर ले हाईवे है उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं, एक तरफ श्रीनगर ले हाईवे की और वहीं पर उधमपुर में जिस तरह से सड़क ध्वस्त की मरम्मत का काम जारी है और क्या कुछ सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं। और श्रीनगर ले हाईवे पर जो पैसेंजर्स थे उन्होंने राहत की सांस ली है क्योंकि उनको जाने की इजाजत दी गई है। वहीं थोड़ी देर में आपको मुगल रोड का अपडेट देंगे, पर सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू श्रीनगर हाईवे के ताजा सूरत हाल पे और साथ ही साथ बात करें श्रीनगर ले हाईवे के सूरत हाल पे। तो चलिए सबसे पहले हम गांधरबल का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा श्रीनगर ले हाईवे के हवाले से जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर ले हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जो बारिश चल रही थी तो कल सुबह को 2 जिला को श्रीनगर ले पूरी शहर को बंद किया गया था ट्रैफिक और डीआरएम की तरफ से, लेकिन कल शाम को श्रीनगर रोड जो श्रीनगर ले पूरी शहर है उसको खोल दिया गया है। आज सुबह जो गाड़ियों को श्रीनगर 2 जिला से डाउन किया गया है, उसके बाद जो 2 बजे ट्रैफिक श्रीनगर से लेह की तरफ रवाना किया जाता है हजरत दस्तूर, उसी तरह आज सुबह ही जो ट्रैफिक को काम है और GRO 122 RTC के हमारे साथ ऑफिसर की बात हुई थी और ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया है ट्रैफिक को भी। लेकिन अभी भी मौसम जो अभी हम श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर ही है, यहाँ पे काफी क्लाउड्स भी है, मौसम भी है, लेकिन 2 जिला श्रीनगर ले हाईवे को खोल दिया गया है। अपर 10 आवर्स जो 10 घंटे का इनको टाइम लग गया है 2 जिला को खोलने में, और उसके बाद ही हाईवे को रेस्टोर किया गया है ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल, और वहीं पर जिस तरह से जो पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर्स हैं जब वहां पर फंस जाते हैं, काफी देर के लिए बंद रहता है हाईवे, तो काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इन 10 घंटों में जिस तरह से आपने बताया बंद रहा, तो क्या कुछ मुश्किल आई, आपने उनसे बातचीत भी की, और ऐसे में जब वो वहां पर फंस जाते हैं और ऐसे में उनको सुविधाएं मुहैया करवाने के हवाले से क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखो प्रियंका, ये जो सदियों से आया है कि श्रीनगर ले भूमि शहरा कभी भी बंद हो सकता है, कभी 10 घंटे के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए, लेकिन जो ट्रक वाले होते हैं उनको इंतजाम होते हैं अपने गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है जो पैसेंजर्स होती है, जिनको अपनी प्राइवेट व्हीकल्स होती है, उनके लिए क्या होता है कि जो सोनमर्ग के नजदीक सोनमर्ग मार्केट में जो लोकल होटल्स होते हैं वहां पे वो ऑक्यूपाई करते हैं, या तो आधे डिनर करते हैं गाड़ियों में सोते हैं, या आधे वहां पे बनाया है लोकल जो यात्रा निवास बना पहले उसमें बैठते थे, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर लोग अपने होटल जो मार्केट में होटल है क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं वहां पे बैठते हैं, या गाड़ियों में सोते हैं आफ्टर डिनर आफ्टर लंच पूरी तरह से। जब भी यहाँ ऐसा वाका होता है तो उनको बेचारों को मुश्किल तो आते ही है, लेकिन ऐसा ये मौसम है, ऐसा ये रोड है, इसमें किसी की बालादस्ती नहीं चलती है। श्रीनगर ले ये सदियों से ऐसा ही दस्तूर की तरफ चलता है
और आज भी वैसे की वैसे ही है कि पैसेंजर व्हीकल को प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो ट्रक वाले होते हैं उनके पास इंतजाम होते हैं 10 दिन के लिए 15 दिन। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा सलीम कि जिस तरह से जैसे इस तरह का सूरत हाल बन जाता है जब भी हाईवे को बंद करना पड़ता है, तो कितना बदलाव आया है, कितना डिफरेंस आया है पहले में और अब में? क्या लगता है कि ज्यादा तेजी से क्लियरेंस का काम वहां पर किया जाता है जब भी, ताकि हाईवे को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जाए? देखो प्रियंका, जो दोजिला रोड है, आपने भी देखा होगा कि दोजिला रोड में किसी की चालाकी किसी की बालादस्ती नहीं चलती है। दोजिला वो रूट है कि आप कितना भी काम करो, ये बीआरओ को मुझे लगता है कि दाद देनी चाहिए कि बीआरओ के लोग वहां पे ऑन ग्राउंड काम करते हैं, क्योंकि दो जिला वो चीज है वहां पे किसी की मशीनरी पे हर कोई चीज फेल होती है जब दो जिला अपना रूप दिखाता है। लेकिन जहां पे जब छोटी वाली लैंडस्लाइड आती है, जब छोटे वाले टून जाते हैं तो उस पर कम टाइम लगता है, लेकिन जब दो जिला विंटर में अपना मुंह दिखाता है तब किसी की बालादस्ती निकलती है। आपने देखा होगा विंटर में जो मौसम ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया था कि हम 24 घंटे दो जिला को खोलेंगे, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, क्योंकि दो जिला वो चीज है वहां पे मशीनरी मैन एंड मशीनरी फेल होती है, क्योंकि दो जिला में तेज हवाएं, तेज बारिशें, तेज तूफानें, काफी सारी चीजें होती है, इसीलिए दो जिला में किसी की बालादस्ती नहीं है। टाइम पे अपना हर कोई चीज होता है और हर कोई चीज बिल्कुल टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। तो सलीम वानी गांधीबल से जिस तरह से अपडेट कर रहे थे कि जो श्रीनगर ले हाईवे है उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है, पैसेंजर जो फंसे हुए थे वहां पे, ड्राइवर्स फंसे हुए थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। तो चलिए अब रुक करते हैं उधमपुर का। उधमपुर से नेशनल हाईवे की अपडेट किशोर हमारे संवाददाता आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कल से। तो चलिए किशोर ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। किशोर बताइएगा इस वक्त का ताजा सूरत हाल जमशेदनगर नेशनल हाईवे का। ग्राउंड जीरो पे है और ग्राउंड जीरो पे आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं, कुछ देर पहले यहाँ पे ब्लास्ट किया गया और जो जितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर थे उनको देर रात से जो है वो मशीनरी यहाँ पे कार्य कर रही थी। ये आप लाइव विजुअल यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त जो बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर जाने के पत्थर गिरे थे उनको इस वक्त यहाँ पे ब्लास्ट किया गया है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि कहीं ना कहीं कल से ये पूरी तरह से प्रयास लगाया जा रहा था। कल भी आपने साफ देखा था कि जखैनी चौक पे हजारों की तादाद में जो गाड़ियां थी वो फंसी हुई थी। बाहरी राज्यों से जो लोग कश्मीर की तरफ पत्नीटॉप की तरफ जाना चाहते थे लेकिन उनको जखैनी चौक पे रोक दिया गया था। लेकिन शाम होते होते हमने ये साफ देखा था कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे की 30 जो मशीनरी यहाँ पे कार्य कर रही थी वो पूरी तरह से यहाँ पे जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार लाइव तस्वीरें दिखाऊं, यही वो इलाका है जिसे टोल्डी नाला सरमोली के आसपास ये इलाका है और पूरी तरह से देखिए आप पहाड़ अभी भी जो है वो तवी नदी में आके गिरा है और दोनों जो फोर लाइन का जहाँ पे काम कार्य चल रहा था वो आके जो है वो तवी नदी में मिल गया है। वो दूसरी तरफ मैं प्रियंका ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना जरूरी, देखिए ये जो लोग हैं ये जो रास्ते में जो लोग फंसे थे जो कोई कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा था जहाँ चनैनी में जो लोग फंसे डोडा और भद्रवाह के जो देखिए आप पैदल सफर करने के लिए इस वक्त भी है वो यहाँ इसी पहाड़ी के बीचों बीच आप देखिए यहाँ 3 से 4 घंटे का पैदल सफर करके वहां पे इस इलाके के अंदर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी हमने जो डीएसपी ट्रैफिक है उनसे बात की, उनका ये कहना है कि अभी यहाँ पे काफी घंटे यहाँ पे लग सकते हैं लेकिन काम अभी आप देखिए जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको अभी ब्लास्ट किया गया और कहीं ना कहीं आप देखें कुछ इलाकों में अभी भी जो है वो पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से किशोर कल आपने बताया था कि जो वहां पर पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनको ये एडवाइजरी दी गई थी कि आप घर वापस लौट जाइए या वहीं पर कहीं पर आप रह लीजिए। अब बताइएगा 2 दिन का वक्त कल दिया गया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है कि यातायात को खोल दिया जाए, इसको लेकर ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई है कि एग्जैक्टली क्या आज ही खुल जाएगा हाईवे या फिर कल तक का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए प्रियंका मैं ग्राउंड जीरो पे इसलिए ये लाइव तस्वीरें जो हम हमें देख रहे हैं वो हम इसलिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये जितना भी ये पहाड़ है वो आके जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरा है। यहाँ पे कल भी ये जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी निकाली गई थी उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया था कि 2 दिन का टाइम जो नेशनल हाईवे 30 ने मांगा था लेकिन अभी भी हमने उनसे बात की, उनका ये कहना है कि
शाम तक हो सकता है एक साइड से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बहाल कर दिया जाए। लेकिन अभी देखिए जैसे कि ये बड़े बड़े जो बोल्डर या पत्थर यहाँ पे गिरे हैं उनको ब्लास्ट किया जाएगा, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि शाम तक जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया जाएगा या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल किशोर ग्राउंड से ज्वाइन किए हुए थे और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो अपडेट है वो पहुंचा रहे थे। हालांकि फिलहाल ये पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं आई है कि आज ही खुलेगा या कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, पर आप देख सकते हैं कि क्लियरेंस को लेकर काम कितना तेजी से चल रहा है। तो जहां पर हमने जम्मू श्रीनगर हाईवे का आपको अपडेट पहुंचाया, श्रीनगर ले हाईवे का अब तक अपडेट पहुंचाया, तो अब बात करेंगे हम मुगल रोड की, क्योंकि मुगल रोड पे फिलहाल बड़ा अपडेट सामने आ रहा है यही कि ऐतिहासिक मुगल रोड पर दो तरफा यातायात बहाल हो चुका है। राजौरी, पुंछ और शोपिया से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर भूस्खलन के कारण मुगल रोड को बंद किया गया था। और अब बड़ा अपडेट यही है कि मुगल रोड को दोनों तरफ से यातायात बहाल कर दिया गया है। यातायात बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है और वहीं पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ब्लॉक होता है रोड उसके बाद एक तरफा पहले यातायात खोला जाता है, फिर दूसरी तरफा यातायात जो है उसे खोल दिया जाता है। और ब्लॉक होने के बाद आप देख सकते हैं कि फिलहाल मुगल रोड को दोनों ओर से यातायात को बहाल कर दिया गया है और यातायात बहाल होने से जो लोग परेशानी में थे अब उन्होंने राहत की सांस ली है। तो फटाफट से रुक करते हैं, हमारे साथ जमशेद मलिक हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद बताइएगा मुगल रोड के हवाले से, फिलहाल हमने बताया जिस तरह से कि दोनों ओर से यातायात को खोल दिया गया है और क्या कुछ जानकारी है। आपकी बात जरूर है क्योंकि जम्मू श्रीनगर मार्ग जो बंद किया गया है और उसके बाद मुगल रोड भी बंद थी और मुगल रोड को आज सुबह दोबारा यातायात के लिए बहाल कर दिया गया, जो राहत की सांस जरूर है लोगों के लिए। क्योंकि दौरान देर रात को भी हमने देखा तकरीबन 70 के करीब ऐसे मुसाफिर थे जो वहां फंसे हुए थे जिनको सेना ने बाद में रेस्क्यू किया और आज मुगल रोड को खोलने के बाद सुबह सबसे पहले उन गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई जो गाड़ियां पिछले दो दिन से वहां फंसी हुई थी और उसके बाद सभी गाड़ियों को चलने की अब इजाजत दी गई। और बड़ी संख्या में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुगल रोड के रास्ते गाड़ियां जम्मू का रुख कर रही हैं क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने के कारण इस रोड पर काफी बड़न ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि इस रोड को जल्द बहाल कर दिया गया क्योंकि दो दिन तक ये रोड बंद रही जिस तरह मौसम एकदम तब्दील हुआ और उसके बाद जल्द से इस पे पसियां हटाने के बाद इस रोड को बहाल कर दिया गया और मौसम भी तकरीबन खुशगवार है और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इस रोड पर 3 बजे के बाद चलने की इजाजत नहीं होगी, मगर मौसम अगर ठीक रहता है तो उसके बाद भी चलने की इजाजत जरूर दी जा सकती है। जी प्रियंका बिल्कुल, और जिस तरह से जो वहां पर फंसे हुए थे उनको काफी राहत की सांस उन्होंने ली है, पर जब वो वहां पर स्टक हो जाते हैं बताइएगा आपने तब भी उनसे बातचीत की, क्या कुछ मुश्किलात का सामना उन्हें उस दौरान करना पड़ा। प्रियंका बिल्कुल, अगर पिछले दो दिनों की बात करें जिस तरह लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद लगातार इस इलाके में पत्थर गिरने का सिलसिला भी शुरू हुआ, तकरीबन 70 के करीब ऐसे लोग थे जो फंस गए थे, बाद में सेना ने उन लोगों को निकाल के पुशाना कैंप तक लाया और कैंप में रात को रखने के बाद आज सुबह लोगों को भी अपने अपने घरों को भेज दिया गया। कि सबसे बड़ी परेशानी जो इस रूट पर लोगों को आती है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ का नेटवर्क ना होना, क्योंकि सिर्फ एक पोर्शन ऐसा है इस इलाके में सिर्फ पुशाना का जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क मिलता और बाकी कहीं भी आपको मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पाता जिस कारण लोगों को काफी समस्या देखनी पड़ रही है। हालांकि देर रात को जो लोग फंसे हुए थे वो सेना ने जब गश्त शुरू की तो उसके बाद उन लोगों को निकाला गया, हालांकि क्योंकि वो भी ऐसी रेंज में थे जहां नेटवर्क नहीं था, मगर उसके बाद भी सेना ने उन लोगों को निकाला वहां से। ये परेशानियां लोगों को जरूर देखनी पड़ रही है, मगर आज जिस तरह रोड को खोल दिया गया इसे राजौरी पुंछ के साथ साथ कहीं ऐसे लोग थे जो श्रीनगर में पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे उन्होंने जरूर राहत की सांस ली और वो लोगों ने सफर अपना घर की तरफ शुरू कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए। तो जमशेद अपडेट कर रहे थे जिस तरह से मुगल रोड का ट्रैफिक अपडेट अब जिस तरह से खोल दिया गया है, दो दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जो भी वहां पे लोग फंसे हुए थे, फिलहाल उन्होंने राहत की सांस ली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बडगाम से आ रही बड़ी खबर की, क्योंकि जिस तरह से पहले ये ऑर्डर सामने आया था कि जमात के फलाह आलम ट्रस्ट के स्कूलों में जो गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी किया गया था, सरकार
ने सभी स्कूलों में अब पढ़ाई बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। तो अब जो स्कूलिंग है उसे भी बंद करने का जो ऑर्डर सामने आया है सरकार की तरफ से, बच्चों को अब स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी होंगे, अब उनको सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। दाखिलों के लिए बच्चों के जो अभिभावक हैं फिलहाल उनकी सहमति लेने की बात कही गई है, पर इससे पहले जो ऑर्डर सामने आया था कि जमात के फलाए आलम ट्रस्ट के जितने भी स्कूल हैं उसे बैन कर दिया जाए, उसमें जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसे बंद कर दिया गया। अब उसके बाद सरकार का एक और ऑर्डर सामने आया है जिसमें बच्चों की पढ़ाई बंद करने की बात की गई है, पढ़ाई बंद करने को लेकर निर्देश सामने आए हैं। अब तमाम स्कूलों को कहा गया है जो भी जमात के फलाए आलम ट्रस्ट से एफिलेटेड है उनको ये कहा गया है कि जो भी बच्चे वहां पर हैं उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाए और उसके बाद उनको बाकी जो दूसरे सरकारी स्कूल हैं वहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए फिलहाल जो बात सामने आ रही है कि जो बच्चों का दाखिला है, दाखिलों के लिए बच्चों के अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। अब कितना असर इससे बच्चों की पढ़ाई को पड़ेगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे और इस ऑर्डर के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर जो बडगाम से सामने आ रही है कि जमात के फलाए आलम ट्रस्ट के स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं, सरकार ने सभी स्कूलों में पढ़ाई बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए रुक करते हैं बडगाम का, मोहम्मद अशरफ डार हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ बताइएगा, एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि बच्चों की अब स्कूलिंग भी बंद कर दी गई है, अब उनको जबकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा, पूरी जानकारी पहुंचाइएगा और ये भी बताइएगा कितना असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा इसे लेकर। देखिए प्रियंका, आज जो है एक ऑर्डर इशू हुआ है चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम की तरफ से, जितने भी स्कूल्स है बड़गाम के अंदर जो कि गवर्नमेंट लैंड यानी घास चराई पे है, उन स्कूलों को एक नोटिस निकाली गई है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है उन बच्चों को जो सर्टिफिकेट इशू करे और स्कूल को वाइंड अप करे। अब ये देखना है कि क्या वो इस जो हुक्मनामा जारी हुआ है क्या वो उस पर वो अमल करते हैं, कितना एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कामयाब होती है, ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। मगर कुछ ऐसे बड़े स्कूलों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिनके जो स्कूल उन्होंने बनाए वो गवर्नमेंट लैंड यानी घास चराई पे उन्होंने बनाए। अब ये देखना है कि क्या उन स्कूलों को बंद करने में कामयाब हो जाती है नहीं होती है, ये कुछ दिनों के बाद पता। मगर इससे एक असर यहाँ पर जरूर देखने को वो है बच्चों पे, क्योंकि जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे वहां का सिलेबस हो वहां की किताबें हो उनको वो पढ़ते थे, अब वो वहां से जाके जब प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला करना है क्योंकि ये कहा गया कि वो नजदीकी प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर उनको दाखिला कराए। अब ये देखना क्या वो बच्चे प्रिपेयर रहेंगे, क्या वो बच्चे वहां पर एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये मिड सेशन है, अब जो है कुछ टर्म सेकंड भी एग्जाम जो है शुरू होने वाले, तो कितना बड़ा एजुकेशन पे असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। मगर अगर हम देखें गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्टीट्यूट लिया गया है प्राइवेट स्कूलों को लेके जो घास चराई पे इन्होंने जो स्कूल बनाए ये अच्छा कदम है, क्योंकि बड़े माफिया एक तैयार हो चुका है प्राइवेट स्कूलों का और इस पे लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह पेरेंट्स को लूट रहे हैं कहीं ना कहीं अब इनको पता चलेगा कि क्या कुछ होती है जब किसी पेरेंट हो या आम शख्स को जिस तरह ये बच्चों को जब फीस नहीं होता कितना उस पेरेंट उसको या हैरासमेंट करते हैं या बच्चों को या क्लास में आने नहीं देते। तो इससे काफी ज्यादा असर जो है एजुकेशन सेक्टर पे पड़ने वाला है, क्योंकि अगर इसमें बड़े बड़े स्कूलों के नाम आ रहे हैं, कुछ स्कूल से जो खान साहब एरिया में है बडगाम के 50 से 52 ऐसे स्कूलों के नाम सामने आ रहे हैं जो घास चराई लैंड पे है। अब ये देखना है कार्रवाई कितनी तेज होती है, क्या वो कार्रवाई आने वाले दिनों में उसमें मुकम्मल हो पाती है या नहीं हो पाती है, आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद पता है। हमने कोशिश की थी आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम से रब्ता करने की, मगर वो डायरेक्शन ऑफिस में शायद इसी मीटिंग को लेकर इस वक्त वहां पर मीटिंग चल रही है कि किस तरह इस प्रोसेस को जो आगे बढ़ाया जाए। कोशिश हमने की थी उससे बात करने की मगर उससे बात नहीं हो पाई। मगर जो स्कूलों की तादाद है वो 50 से 52 की स्कूल ऐसे स्कूल्स है बड़गाम में जो गवर्नमेंट लैंड पे बनाए गए हैं। मगर जब वो गवर्नमेंट लैंड पे बनाए गए थे क्या उस टाइम के तहसीलदार ने कैसे उनको जो है एनओसी प्रोवाइड की है, या स्कूल इंतजामिया जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है जब उसको देख रेख होती है किस तरह हम एक प्राइवेट स्कूल को जो एनओसी दी जाती है, मगर पहले कागजात देखने पड़ते हैं कैसे उन्होंने उस टाइम वो गवर्नमेंट लैंड पे उनको जो इश्यू कर दिया कि आप यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि पैसे भी सीधे तौर पर, क्योंकि जब कोई स्कूल बनाने के लिए वहां पर जाएगा और उसके पास गवर्नमेंट लैंड के कागजात होंगे तो कैसे उसको इशू किया होगा उस टाइम उन लोगों ने जो वहां पर उस टाइम कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके खिलाफ ही अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
तरह गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा करते हैं, और साथ ही इसमें तालमेल कहाँ लगता है? एक तो स्कूल इंतजामिया का तालमेल लगता है, दूसरा जो कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर में मुलाजमीन काम कर रहे थे उनके बीच तालमेल इसलिए रह रहा है क्योंकि पैसे का तालमेल ही नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे एनआरसी नहीं दी जाती है गवर्नमेंट लैंड पे जिस तरह से बड़े बड़े स्कूल बनाए गए हैं। तो अब देखना है जो ये माफिया है किस तरह इनको अब उन स्कूलों को बंद किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिल सकेगा। जी प्रेम, बिल्कुल। आखिर में एक बात क्लियर कीजिएगा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब बच्चों को दिया जाएगा उसके बाद उनकी एडमिशन बाकी सरकारी स्कूलों में होगी, वहां पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। अब दाखिले के लिए जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट है, और जिसका कंसेंट होगा या नहीं होगा क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए जाहिर सी बात है जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये तो थाउजेंड में बच्चे होंगे, करीब 52 ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो बच्चे जब उनको बंद स्कूल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पेरेंट्स सब बाहर आएंगे, वो सड़कों पे आएंगे, क्योंकि उनके बच्चों का जो सवाल है उनके एजुकेशन का सवाल है। हमने देखा हाल ही में 12th 12वीं जमात का जब रिजल्ट सामान्य है वो बच्चे भी एडमिशन के लिए तरस रहे। तो अब एक और प्रॉब्लम ये हो जाएगी जब बच्चे 52 स्कूलों के बच्चे जब बाहर आएंगे, क्या उनके पेरेंट्स इस बात पे ये हम ये कह सकते हैं कि मुतमईन होंगे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन कराएं? क्योंकि जिस तरह हम प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहां पर जो टीचर्स की कमी देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है जहां पर 200 बच्चे हैं वहां पर 5 टीचर है, तो बहुत बड़ा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि इन 52 स्कूलों की जो बात है ये जब सामने आएंगे बच्चे बाहर आएंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन डिपार्टमेंट को फेस करनी होगी आने वाले दिनों में। जी प्रियंका, बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से मोहम्मद अशरफ डार बडगाम से ये सारी जानकारी दे रहे थे, अब जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा, तमाम जितने भी स्कूल हैं उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना है बच्चों को, फिर बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा, फिर उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट लिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर, क्योंकि हर श्रद्धालु को बेसब्री से इंतजार है अमरनाथ यात्रा को लेकर, अमरनाथ यात्रा की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं, और अर्धसैनिक बलों की कंपनियों का जम्मू पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। यात्रा की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, और हर बार ऐसा देखा जाता है जब भी यात्रा नजदीक होती है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है उसे बढ़ा दिया जाता है, सुरक्षा के जो इंतजाम है पुख्ता किए जाते हैं, और यात्रा से पहले कश्मीर में भी सुरक्षित माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते काफी देर से यात्रा नहीं हो पाई थी, अब जबकि इस साल यात्रा की जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दिया गया है, लाखों में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, और अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसे लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की जो कंपनियां हैं वो लगातार जम्मू पहुंच रही हैं, जम्मू और कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती है उसकी उसका सिलसिला जारी है, और जो संख्या है तैनाती का उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, कई ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी बहुत टाइट हर बार रखी जाती है जब भी अमरनाथ यात्रा नजदीक होती है, कुछ ही दिन रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने के लिए, उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बढ़ा दिया गया है। अब कश्मीर में भी, हालांकि कश्मीर जिस तरह से खबरों को लेकर काफी सुर्खियों में रहता है, वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षित माहौल बनाने की जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल कर दिया गया है। तो चलिए फटाफट से रुख करते हैं जम्मू का, ऋतिका राजपूत हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुकी हैं। ऋतिका बताइएगा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों का, जिस तरह से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपडेट कीजिएगा। आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के समेत अर्धसैनिक बलों के 50,000 के करीब करीब जो है वो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तैनात किए गए हैं, और इसमें आपको बता दूं 450 के करीब करीब कंपनियों को जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है अमरनाथ की वजह से। और आपको बता दें कि इसमें से 100 कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें पहले ही जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया था, और अभी जो 350 कंपनियां हैं उन्हें भी प्रदेश पहुंचाया गया है, और अलग अलग स्थानों पे इनकी तैनाती की गई है ताकि यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए। और आपको बता दें कि काफी ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं कि जैसे कि आतंकी घटनाएं की जा रही हैं ताकि यात्रा में खलल डालने का प्रयास किया जा सके, पर उसके बावजूद चप्पे चप्पे पे ये सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना जो है वो श्री अमरनाथ यात्रा के मार्ग में ना की जा सके।
बिल्कुल, और चप्पे चप्पे पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती देखी जा रही है, चेकिंग बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है ग्राउंड पर, आप जिस तरह से कवरेज जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, क्या देखा जा रहा है कि चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए हैं, आने जाने वाले की पूरी तरह से जांच की जाती है, क्या कुछ नजर आ रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, चप्पे चप्पे पे नाके तो लगाए ही जाते हैं, पर जो अलग अलग आधार शिविर हैं, जो यात्रियों के ठहरने के लिए यात्रा भवन है, वहाँ पे खास तौर पे इन सुरक्षा एजेंसियों को वहाँ पे बिठाया गया है, यहाँ पे तैनाती करवाई गई है ताकि इनकी सुरक्षा में चूक ना हो पाए और तमाम तरीके के यात्री जो यहाँ पे पहुंच रहे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिए हो या फिर जो साधु संत यहाँ पे अलग अलग जगहों पे ठहरे हैं, अलग अलग यात्रा भवन में ठहरे हुए हैं, वहां पे पूर्ण रूप से तैनाती जो है इनकी की गई। और आपको बता दूं कि 250 के करीब करीब कंपनियां जो हैं वो उन्हें कश्मीर में भेजा गया है, तो उनमें से 100 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अलग अलग स्थानों पे चुनावों को लेकर ड्यूटीज कर रहे थे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसपी शामिल हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलके ये 450 के करीब करीब कंपनियां जो हैं ये अमरनाथ यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने में जो है अपना योगदान दें। शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। तो रितिका राजपूत हमारे संवाददाता जम्मू से सारी जानकारी दे रहे थे क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है। थोड़ा ही वक्त रह गया है अमरनाथ यात्रा को, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है और वहीं पर सारी तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं इस बार जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है। कुछ ही वक्त रह गया है और श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।